गुरुदेव की याद में उन क्षणों को, उन पलों को, जिन पलों में हम अपने गुरु से मिले हो, आनंद मिला हो, गुरु की प्रेम भरी नजरों से प्रेम वर्षा हो, उन्हीं पलों को याद करके गुरु बाहर नहीं भीतर ही है हम सबके, सब घट मेरा साईया, खाली घट ना कोई, बलिहारी वा घट की जा घट प्रकट हो। भगवान दत्तात्रेय जिससे भी जो सद्गुण मिलता है ले लेते हैं, ये पृथ्वी को भी वो गुरु मानते हैं कि ये पृथ्वी हे मां, घोर संस्कारों के जीव भी तुम पर विचरते हैं, ऐसे ऐसे कर्म करते हैं, घोर से घोर पाप के संस्कार, पाप भरे कर्म करते हैं, ऐसे जीव भी इस धरती पे विचरते हैं, तुम पर हम सभी हल चलाते हैं, जोतते हैं, पहाड़ों को खोदते हैं, बम विस्फोट करते हैं, ना जाने क्या क्या करते हैं, क्या क्या गंदगी, क्या क्या चीजें होती हैं, सब सहती है धरती माँ, लेकिन बदले में फिर भी हमें फल देती है, जल देती है, अन्न देती है, धन्य है माँ, धन्य है तेरी सहनशीलता, दया और क्षमाशीलता और तेरा प्रेम। हे मां, हे सदगुरु, हमारे अंदर भी वो गुण आए, हम भी सहनशील बने, हम भी जरा जरा बातों में उत्तेजित ना हो, हम दूसरों के दोष को ही देखते रहते हैं, लेकिन धरती मां तो कैसा उदार हृदय है, उस पे पापी भी घूम रहा है, गोर से गोरम करण करने वाला भी घूम रहा है, धरती माँ जैसे सबको आश्रय दे रही है, क्षमासी उनका कितना विशाल हृदय, हमारा हृदय भी वैसा विशाल हो, छोटी छोटी बातों में हम ना उलझे। भगवान दत्तात्रेय कहते हैं, हे वायु देवता, हे पवन देवता, कोई तुझ में सुगंध, कोई तुझ में दुगंध दुर्गंध छोड़ता है, पर तू अगले ही पल गंधहीन और निर्मल हो जाता है, तो किसी के स्वभाव से, किसी के उससे इंप्रेस नहीं होता, किसी का संग तू नहीं करता, क्योंकि तू सदा निसंग रहता है। ऐसे ही हम भी राग में ना, द्वेष में नहीं, काम में नहीं, क्रोध में नहीं, लोभ में नहीं, अहंकार में नहीं, हम निसंग होकर के हमारे जीवन में भी निसंगता आए, ये सद्गुण आए, सुख में दुख में लाभ में हानि में हम निसंग रहे। तुलसी जग में यूं रहो ज्यों रसना मुख माही, खाती घी और तेल नित फिर भी चिकनी नाई, जैसे जीवा किसी भी रस को अपने पास नहीं रखती, वो दे देती है, रस तो उसका खुद का है, जीव अपने आप में तृप्त है, ऐसे ही हमारी आत्मा भी अपने आत्म सुख से, गुरु प्रसाद से तृप्त हो जाए, ऐसी करुणा ऐसी कृपा हम पे हो जाए। दत्तात्रेय भगवान कहते हैं, हे समुद्र, कितनी भी नदियां तुझ में समाती है, पर तू कभी भी भूल कर मर्यादा नहीं तोड़ता, समुद्र कभी मर्यादा नहीं तोड़ता, कितना ही उसमें जल बारिश में आता जाए, भरता जाए, लेकिन कभी वो
अपनी मर्यादा तोड़ के बाहर नहीं आता। गर्मी में कितना ही जल उससे निकल जाए फिर भी वो सीमित वहीं का वहीं रहता है। ऐसे ही धन्य है तू, तुझसे हम ये सदगुण सीखें कि अहंकार और अवसाद दोनों से बचें, एक सार में समचित रहें। जो समता सदगुरु की है, जो समता नानक जी की है, जो समता भगवान श्री कृष्ण की है, जो समता कबीरदास जी की है। तभी तो कबीरदास जी कहते हैं निशंग होकर के, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सब की खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। तभी नानक जी कहते हैं, नानक जी भी वही कहते हैं, हर्ष सोग जाके नहीं बैरी मीत समान, कहे नानक सुन रे मना मुक्त ताही ते जान। हम सुख में सुखी होने के लिए भागने लगते हैं, दुख में दुखी होकर के भागने लगते हैं, लेकिन न सुख सच्चा है न दुख सच्चा है, सुख सपना दुख बुलबुला, दोनों है मेहमान, दोनों बीतन दीजिए सो हमको पहचान। वो निशंग आत्मा में हमारी स्थिति हो। भगवान दत्तात्रेय चींटी को भी कहते हैं कि तू कितनी अथक परिश्रम करती है, हजार रुकावटें तेरी राह में आए तो हिम्मत नहीं हारती और अपने धुन में चलती रहती है। धन्य है तू और मैं तेरे आत्मबल को प्रणाम करता हूँ। मैं भी अपने देवी कार्य में, गुरु के देवी कार्य में, सेवा कार्य में चलता रहूँ। चरे वेती, मैं भी अपने चित्त को एकल चित्त होकर बढ़ता रहूं, बाधाओं को बांधकर अग्रसर होता रहूं। और भगवान दत्तात्रेय शिकारी को भी गुरु बनाते कि शिकारी जब खेल खेलता है इतना एकाग्र हो जाता है कि उसके पास से कोई आ रहा है कोई जा रहा है उससे कुछ नहीं, उसे अपने लक्ष्य की तरफ ही उसका ध्यान है। ऐसे साधक का भी लक्ष्य सेवा और सुमरण में हो जाए तो जगत के कौन आ रहा कौन जा रहा कौन खा रहा कौन पी रहा कौन क्या कह रहा है उससे दूर होकर साधक की साधना में उन्नति होने लगती है। भगवान दत्तात्रेय नन्हे बालक को भी कहते हैं कि वो नन्हे बालक के अंदर क्या सद्गुण है कि वो निर्दोष है, वो मान में अपमान में सम रहता है, वो निर्दोष है, अच्छा नन्हा बालक है। कोई बच्चा प्यारा सा आ जाए तो आप उससे ये नहीं पूछते तू किस जाति का है, तू किस धर्म का है, तेरे माँ बाप कौन है, आप तो उसके गाल से छेड़ने लगते हो, उसको गोदी में उठाने लगते हो, उसे प्यार करने लगते हो, क्योंकि उसकी आंखों से, उसके व्यवहार से, उसके मन से, तन से प्रेम ही प्रेम बह रहा है, निर्दोषता है, छल और कपट नहीं है। वो दो पल रोता है अगले ही पल खिलखिलाकर हंसने लगता है, तेरे अंदर भी निश्चल प्रेम प्रसन्नता फूटती रहती है। धन्य है तू, मेरा मन भी ऐसा सहज सरल और भोला भाला और मासूम हो जाए, मैं भी आत्मिक आनंद में मस्त हूं। तो आज सद्गुरुदेव के पावन अवतरण दिवस, जन्म दिवस, हर्ष और उल्लास तो साधकों के जीवन में है। मैं कहता हूँ कि जो निगुरे लोग हैं ना, उन निगुरों के जीवन में तो साल में एक बार दशहरा और एक बार दिवाली आती है, लेकिन साधकों का तो रोज। मेरे सदगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोना है, मेरे सदगुरु प्यारे दी बड़ी शान निराली है, इत्थे रोज दशहरा है, इत्थे रोज दिवाली है, क्योंकि साधक का हृदय में रोज नित्य नवीन आनंद, नित्य नवीन सुख है। हर रोज नई एक शादी है, हर रोज मुबारकबादी है। जब आशिक मस्त सदगुरु का हुआ तो क्या दिलगिरी बाबा, जब इसको ऐसे साधक को ऐसे प्यारे सदगुरु मिल गए हैं तो उसकी रोज दशहरा और रोज दिवाली है। सदगुरुदेव भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की।